दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था मुड्डा, मुर्री और मुर्रा के बारे में, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो मुड्डा के 7 वेस्ट होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना आप लोग और समझना, एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा आप लोगों को। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख। दोस्तों, ये जो 7 वेस्ट हैं उनको लीन मैन्युफैक्चरिंग का 7 वेस्ट भी बोलते हैं, 7 वेस्ट ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं, जो कि इस प्रकार है: ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री, मोशन, वेटिंग, ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोसेसिंग और डिफेक्ट, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में टीम वुड बोलते हैं, TIMWWD। जो ये 7 वेस्ट हैं वो लगभग सभी प्रोसेस में पाए जाते हैं जिनको कि रिड्यूस किया जा सकता है, इलिमिनेट नहीं किया जा सकता। तो चलिए इन 7 वेस्ट को वन बाय वन करके समझते हैं और देखते हैं। जो पहला होता है वो है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में पीपल, मशीनरीज का अननेसेसरी मूवमेंट किया जाता है, जिससे कि जो मूवमेंट होती है उसमें टाइम भी लगता है। ज़्यादा मूवमेंट करने से, ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन करने से पीपल या मशीनरीज डैमेज भी हो सकते हैं, जिससे टाइम का वेस्ट भी होता है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन से इस तरह की दिक्कतें आती हैं, इसलिए इसको वेस्ट की कैटेगरी में रखा गया है। ज़्यादा मटेरियल की मूवमेंट आपके बिजनेस के लिए कॉस्टली भी हो सकता है, यह है ट्रांसपोर्टेशन के एग्जाम्पल। दोस्तों, जो दूसरा वेस्ट है उसको इन्वेंटरी बोलते हैं, जिसमें कि इसका मतलब होता है कंप्लीट आइटम की सूची। जो भी आपकी कंपनी में मटेरियल है उस आइटम की सूची होती है। इसमें वेस्ट कैसे जनरेट होता है वो समझते हैं। आप ज़्यादा इन्वेंटरी अगर आपके पास हो जाती है, जैसे आपकी कंपनी ने ज़्यादा प्रोडक्शन कर दिया या आपने अपने सप्लायर से ज़्यादा मटेरियल मंगा लिया, तो उसके लिए आपको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी स्टोरेज करने के लिए, जिससे क्या होगा कि कुछ लंबे समय बाद प्रोडक्ट में डिफेक्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे, या फीफो मेंटेन नहीं होगा तो जो पुराने पार्ट हैं उनके कुछ मटेरियल प्रॉपर्टीज या ऐसा कुछ जिससे कि डिफेक्ट जनरेट हो सकता है। तो इस तरीके से इन्वेंटरी को वेस्ट की कैटेगरी में रखा गया है। दोस्तों, जो तीसरा वेस्ट है उसको मोशन बोलते हैं। मोशन में क्या होता है कि आप जिस स्टेशन पे काम करते हैं वहाँ से आपकी जो मूवमेंट होती है, पार्ट को कलेक्ट करना, मशीन को ऑपरेट करना, बटन स्विच वहाँ दबाना, इस तरीके का जो आपकी मूवमेंट होती है उसको मोशन की कैटेगरी में रखा गया। मोशन बोलते हैं उसको, जो कि कॉम्प्लिकेटेड और अननेसेसरी होता है, जिससे कि आपके प्रोडक्ट का जो साइकिल टाइम है वो बढ़ जाता है, इक्विपमेंट डैमेज हो सकते हैं। तो ये है मोशन का एग्जाम्पल। जो चौथा वेस्ट है वो है वेटिंग। वेटिंग देखा जाए तो एक इजी स्टेप होता है, इजी वेस्ट होता है, जो कि आपके प्रोडक्टिविटी को कम कर सकता है। ये तब होता है जब आपने देखा होगा कि आपके जो भी प्रोसेस होंगे वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्ट बन के गया तो वो अगले स्टेशन पे जाएगा, वहाँ से अगले, फिर अगले से अगले, ऐसे होता है सीक्वेंस जो चलती रहती है। इनमें क्या होता है कि अब आपने एक स्टेशन पे प्रोडक्ट बना दिया, लेकिन आपके यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई, कोई डिफेक्ट जनरेट हो गया या आपके मशीन में जो ब्रेकडाउन आ गई, इस तरीके की दिक्कत आ गई, तो जो आपके अगला स्टेप है वहाँ पे जो ऑपरेटर है या जो भी है वो वेटिंग करने लगा, उसके पास तो मटेरियल मिला नहीं। तो ये होता है वेटिंग का एग्जाम्पल, वेट करना कि हमारे पास मटेरियल आएगा तब मैं उसको करूँगा। तो उस तरीके से आप अपने प्रोसेस में नहीं होने दें, सीक्वेंस को हमेशा बनाए रखें ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी निकलती रहे। दोस्तों, जो पांचवा वेस्ट है वो है ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन का मतलब होता है आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट या डिमांड से ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, यह आपकी कंपनी के कॉस्ट को भी बढ़ा देता है। ओवर प्रोडक्शन जो होता है उसमें जो ये 6 वेस्ट हैं इसके अलावा उनके लिए यह ट्रिगर का काम करता है,
इसमें जैसे आप ओवर प्रोडक्शन करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रोसेस ज़्यादा करने पड़ेंगे, एडिशनल ट्रांसपोर्टेशन, ज़्यादा मूवमेंट होगी, ज़्यादा मोशन होगा, तो इस तरीके से ये वेस्ट है। ओवर प्रोडक्शन करते समय यदि कोई डिफेक्ट जनरेट हो गया तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पार्टों का रिवर्क करना पड़ सकता है, या पार्ट रिवर्क नहीं हो पाएंगे तो वो स्क्रैप होंगे, तो ये बहुत बड़ी एक समस्या है, इसलिए ओवर प्रोडक्शन ना ही करें तो बेहतर रहेगा। दोस्तों जो छठा वेस्ट है वो है ओवर प्रोसेसिंग। ओवर प्रोसेसिंग ऐसा स्टेप है या तरीका है जिससे आमतौर पर जो ऐसे काम करता है जो एडिशनल वैल्यू नहीं लाता या आवश्यकता से अधिक एडिशनल वैल्यू ला देता है। इस तरह की चीज़ें आपके प्रोडक्ट में अतिरिक्त एक्स्ट्रा फीचर को जोड़ सकती है लेकिन उसका यूज नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं, जैसे एक कार मैन्युफैक्चरर, व्हीकल निर्माता अपने व्हीकल में जो पीछे के हिस्से होते हैं, सीट होते हैं, टीवी लगाने का फैसला करता है लेकिन उसका कोई यूज नहीं होता। तो ये है ओवर प्रोसेसिंग के एग्जाम्पल। आपने एक्स्ट्रा प्रोसेस कर दिया उसमें लेकिन उसका कोई यूज नहीं है, इसलिए कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होती है, डिमांड होती है, बस उसी को पूरा करना चाहिए। अपने प्रोसेस से कोशिश करें कि जो एक्स्ट्रा प्रोसेस हैं, ऐड हैं, जिनका भी कोई वैल्यू नहीं है, उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करें आप। जो सेवेंथ वेस्ट है वो है डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स को भी वेस्ट की कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि अगर कोई डिफेक्ट आती है आपके प्रोडक्ट में या प्रोसेस में तो या तो वो रिवर्क हो सकता है या उसको स्क्रैप करना पड़ेगा, तो इनमें जो टाइम लगते हैं, कॉस्ट लगते हैं, वो एक तरह का वेस्ट है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।